इंसानों की ये भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आदम हव्वा से शुरू हुए इस सफर ने आज 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफर में न जाने कितने आए और कितने गए, और बच गए हम, और हम भूल गए कि हमारे एग्जिस्टेंस की वजह है हमारे पूर्वज। हो सकता है कि किसी भरी भीड़ में आपके बगल से गुजरे शख्स आपके पूर्वज ही हो। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। इसी गुत्थी को सुलझाने हम आपको लेकर आए हैं एक तीर्थ स्थान जिसका नाम है हरिद्वार। सदियों से हिंदू धर्म के लोग इस धार्मिक जगह की यात्रा करने और अपनों के गुजर जाने के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए आते हैं। यहाँ वो अपने पंडितों से मिलकर गुजरे हुए शख्स के बारे में बताते हैं और फैमिली में हुई शादी और नए पैदा हुए मेंबर्स का रिकॉर्ड तैयार करवाते हैं, और जिसमें इन रिकॉर्ड्स की एंट्री होती है उसे कहते हैं बही, जिनमें फैमिलीज की एक दो नहीं बल्कि 20-30 या इससे भी ज्यादा पीढ़ियों की जानकारी होती है। इनमें दर्ज रिकॉर्ड्स रजिस्टर करने से पहले कई बार चेक किया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे गूगल कुमार भी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर हाँ, इन बही खातों की जानकारी को संभाल कर रखना हमारे पंडितों के लिए ये चुटकियों का खेल है। पर कैसे पता करें कि किस इंसान की जानकारी किस बही में दर्ज है? मान लीजिए किसी गांव में 20 गोत्र के हिंदू रहते हैं, तो सभी 20 गोत्र का खाता अलग अलग लिखा हुआ है। अगर कोई गौतम गोत्र का शख्स यहां आता है तो उसी गोत्र का खाता खोल के पंडित उसका रिकॉर्ड निकालेंगे और पहले उनके पिता का नाम देखेंगे कि वो कितने साल पहले यहां पर आए थे। उतने साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाएगा और एक बार परिवार का नाम मिलने पर ऊपर देखते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस घर से 100 साल पहले यहां पर कौन आया था या फिर 200 साल पहले यहां पर कौन आया था। अब भी अगर आपके मन में इसे लेकर कुछ सवाल हैं, तो आइए देख लेते हैं कि मिस्टर रमन कुमार कालिया ये कैसे करते हैं। ये यहां अपनी फैमिली के बाही की जानकारी लेने आए हैं और फिलहाल ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली पंडित को। गांव आपने अपना कौन सा बताया था? बरसोला। पर अब हम जो है अमृतसर शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट कौन सी जगह रहते हैं अमृतसर में? अमृतसर बेरका। बेरका में रहते हैं। गोत्र अपना? भरद्वाज। मैं आपकी बही लेके आता हूँ। क्या शुभ नाम है आपके पिताजी का? मेरे रामलुभाया कालिया। पंडित रामलुभाया जी ओम प्रकाश जी पंडित पूरन चंद जी के बेटे, भगत राम जी के पोते। मैं नौवीं पीढ़ी हूँ और मुझे यहाँ आके 8 फैमिली का पता चला कि 8 मेरे जो पिछले थे बुजुर्ग उनकी फैमिली में कौन कौन थे। अपनी फैमिली में अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते करते हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर करोड़ों लोगों की फैमिलीज की कई पीढ़ियों का बही मेंटेन करने में यहाँ हरिद्वार में सिर्फ 2500 पंडित हैं। जैसे हमारी फैमिली भी एक इतिहास किसी ना किसी दिन इतिहास ही बन जाएगी, लेकिन कभी कहीं ना कहीं कोई तो नाम लेने वाला होना चाहिए, ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। हरिद्वार के 2500 पंडित करोड़ों फैमिलीज के बही मेंटेन करते हैं, और चाइना कोरिया जैसे देश भी अपने देशवासियों की ऐसी ही जीनियोलॉजी बुक मेंटेन करते हैं, पर जो बात भारत में है वो बात और कहां। और ये देखकर मेरा दिल अब भी एक ही चीज कहता है कि OMG, ये मेरा इंडिया।